बाबा वो हमारा दो कबूतर लोग आए थे इधर। कबूतर? हाँ वो अमर राजेश। हाँ आया था, दाना खाया और उड़ गया। उड़ गया या यहीं कहीं छुपा हुआ है? कैसे छुपेगा, ये करीम खान का घर है, कबूतर खाना थोड़ी। बैठो बैठो। क्या डलता में खुशहाल छो, बहुत अच्छा नाचता तुम लोग। तेरा मेहरबानी होगा, खुदा फजल था। अस्सलाम वालेकुम खान, ईद मुबारक। बोलो। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अख्तर दे मुबारक शाह। ईद मुबारक। थैंक यू सर। क्यों आए हो? तुम्हारी मौत का परवाना लेकर आए हैं। यही अल्फाज मैं पहले भी सुन चुका हूँ। शायद उस जेल की चक्की को भूल चुके हो तुम। इंतकाम का भूत अभी तक नहीं उतरा। वो मेरे भाई का इंतकाम था, लेकिन एक औरत का इंतकाम तुमने नहीं देखा। औरत जब इंतकाम लेती है तो उसकी आग में सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। मैं पुलिस को ठीक 1:05 घंटे फोन करूंगा। प्लान तो इसने कसब का बनाया है, लेकिन बेचारी की किस्मत में इसका फल नहीं है। राका के जवाहरात लाते ही इसको 5 लाख मिलने की बजाय 5 गोलियां इसके सीने में भर देना। वैसे प्लान हमारा भी बुरा नहीं। देख रानी, आज तेरी सुहाग रात है, बड़ी मुश्किल से 3 वर ढूंढे हैं मैंने तेरे लिए, कर ले बस। पुलिस ये कमर क्या कैसे आ गए? मारे गए। अली शाहबाज कलंदर, अली दम दे दे अंदर, उठ बचा। बहुत अच्छा चाल था तुम्हारा राजेश, नहीं तो वो लोग तुमको जान से मार देता। खान बाबा, ये सब आप ही की मदद से हुआ है। वो किधर का बच्चा हमारे आदमी को असली पुलिस समझकर ऐसा गायब हुआ कि सांस तक भी नहीं लिया। चलो चलो चलो, अमर इंतजार करता होगा। एमरजेंसी कंट्रोल रूम। हेलो पुलिस। यस। हाँ देखिए, मेरे सामने की बिल्डिंग में डाका पड़ रहा है। कहाँ? 7th फ्लोर पे। बिल्डिंग का नाम है रिवेरा नारिमन पॉइंट। आप अपना नाम बताइए, बहुत जरूरी है। हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन मुझे बीच में मत डालिए, मैंने खबर दी है, बस इतने काफी है। हेलो हेलो हेलो, पुलिस फोन किया। हाँ। माला माल हो गए दोस्त, 1 करोड़ का चक्कर है इसमें, तू ये ले। नीचे करीम खान इंतजार कर रहा है, प्लेन तक पहुंचा देगा। सोच क्या रहा है? तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, तू साथ चल। फिर वही बात, राजेश तू मेरी बात मान, तुझे जेल जाने की कोई जरूरत नहीं। इस दौलत से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में इत्मीनान की जिंदगी गुजार सकते हैं। कहीं इत्मीनान नहीं मिलेगा दोस्त, पुलिस को यकीन हो जाना चाहिए कि मेरा इस बड़ी चोरी से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मेरे यहाँ पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। अमर, साल डेढ़ साल की तो बात है, एक पुलिस आ रही है। सुन, चोर से मिलने का कोड याद है ना? हाँ, ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। मैं शीला से क्या कहूंगा, समझा दे अमर। IPC सेक्शन 379 रीड्स इनटू सेक्शन 511 अटेम्प्टेड रॉबरी, चोरी करते वक्त पकड़े जाने की सजा 1 साल, 1 ईयर। और अगर मेरे पुराने रिकॉर्ड पे जज साहब की नजर पड़ी तो शायद 6 महीने और, यानी 13 साल। राइट right.
फिर सो क्या रहे इंस्पेक्टर, लगाइए हथकड़ी। चीचा गालिब का एक शेर याद आ रहा है, सुनिएगा। इरशाद। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या मतलब? मतलब साफ है, तुम और इतनी मामूली सी चोरी में इतनी आसानी से पकड़े जाओ, बात जरा घटिया सी लगती है। इसमें घटियापन की क्या बात है इंस्पेक्टर, सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। जब ये वर्दी पहनाई जाती है ना, सबसे पहली बात ये सिखाई जाती है, जो कुछ अपनी आंखों से देखो उस पर यकीन मत करो, जो अपने कानों से सुनो उस पर यकीन मत करो, अपनी अकल इस्तेमाल करो, सच्चाई की तलाश करो, और उसके बाद, सिर्फ उसके बाद यकीन करो। आपकी नजरों में हकीकत क्या है? वो भी हम इंशाल्लाह तलाश कर लेंगे। खान। क्या 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 थैंक यू। देखा उसका नाम लिया ना, हकीकत सामने आ गई। कौन सी हकीकत इंस्पेक्टर? राका के घर चोरी हुई, उसकी तिजोरी से 1 करोड़ के हीरे गायब है। उससे मेरा क्या लेना देना है? उसी से तुम्हारा लेना देना है। ये सब दिखावे का पोस्टर है, दिखावे का। इंस्पेक्टर तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे कि उस चोरी में मेरा हाथ है। तुम ठीक कहते हो, इतनी बड़ी चोरी के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता, अलबत्ता इस खून के इल्जाम में जरूर कर सकता हूँ। नहीं इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया। शट अप, मैंने खून नहीं किया। जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी क्वाइटली बॉय। तुम्हारा सारा रॉबरी का प्लान मेरी समझ में आ रहा है। तुमने और तुम्हारे जिगरी दोस्त ने मिलकर ये डबल चोरी का प्लान बनाया था। तुम राका के घर में चोरी करोगे, उसकी तिजोरी से जेवरात निकालकर अपने दोस्त के हवाले करोगे, तो उसके बाद तुम्हारा दोस्त हिंदुस्तान से हमेशा के लिए फरार हो जाएगा। तुम यहाँ इस दफ्तर में मामूली सी चोरी करते हुए पकड़े जाओगे, ज्यादा तुम्हें 1.5 साल की सजा लगेगी, और उसके बाद तुम और तुम्हारा दोस्त राका की दौलत से ऐश करो। तुमने पुलिस को धोखा देने की कोशिश की, तुम्हारे दोस्त ने तुमको धोखा दे दिया, ये खून कर दिया और यहाँ से भाग गया। ये झूठ है, ये सच है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारे दोस्त ने ऐसा ही किया है, तुम्हारी दौलत तुम्हारी माशूका को लेकर यहाँ से फरार हो गया है। तुम्हारे हिस्से में आई है जेल की सलाखें और फांसी का फंदा, सिर्फ फांसी का फंदा राजेश। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। बेईमानी के रास्ते में बेटे बाप को धोखा दे देते हैं, दोस्त क्या चीज है। चलो सर, आई वॉन्ट यू टू वेट हियर फॉर द एम्बुलेंस टू कम। राजेश, राजेश डोंट बी एन इडियट, नामुमकिन कोशिश मत करो। राजेश जिद मत करो, तुम यहां से भाग नहीं सकते। जब तक मैं अमर को मौत की नहीं सुना दूं, तुम मुझे पकड़ नहीं सकोगे इंस्पेक्टर। ऑफिसर डाउन द स्टेप, गेट डाउन द ब्लडी स्टेप। राजेश, राजेश ने हमें डबल क्रॉस कर दिया, और पुलिस का आना उसका मरना सब नाटक था, ऑल फ्रॉड। लेकिन वो जा कहां सकता है? जो उसका दोस्त उसके पास गया होगा, और जो इस वक्त लंदन में है। ईश्वर का दूसरा नाम दोस्ती है। हेलो। हेलो राजेश, कहीं है कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ दिनों में आ जाएगा। ज्वेलरी कहाँ है? मेरे पास। पैसों का इंतजाम हो गया है? हो जाए। तुम परसों 11 बजे मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। राजेश कहाँ है?
मुझे नहीं मालूम। अमर ने नहीं बताया? कौन अमर? ओह डोंट बी स्मार्ट विद मी जो, डोंट बी स्मार्ट। स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक कल तुम अमर से मिले थे। मिस्टर ब्राउन, 11:30 सेंट कैथरीन स्टॉप। नाउ व्हाट हैव यू गॉट टू से अबाउट इट? व्हाट व्हाट व्हाट? ठीक है, अगर मैं उससे मिला तो मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया? हाँ किया, किया, बहुत बड़ा जुर्म किया। राजेश और अमर दोनों मुजरिम है, उन पर डकैती और खून का इल्जाम है। खून? हाँ खून, खून। अगर वो लोग शराफत से अपने आप को मेरे हवाले कर दें तो मैं उनके सर से ये खून का इल्जाम मिटा सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं जानता हूँ असली खूनी विक्रम और उसकी बहन। लेकिन अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो 20 साल तो आसानी से लग सकती है। एंड मिस्टर जो, इफ यू ट्राई टू एक्ट स्मार्ट विद मी, वो 20 साल आपको भी उनकी कंपनी में गुजारने पड़ेंगे, एक्सेसरी आफ्टर द फैक्ट। अमर, राजेश को जरूर कुछ ना कुछ हो गया है, वरना वो अभी तक यहाँ पहुंच क्या होता? कुछ नहीं हुआ, यकीन करो शीला। तो क्यों नहीं आया वो अभी तक? आ जाएगा। आ जाएगा, आ जाएगा। जब भी मैं पूछती हूँ तुम कहते हो आ जाएगा, आखिर वो कहाँ गुम हो गया? कुछ ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ा है। वो क्या बात हो गई है आखिर, मुझे क्यों नहीं बताते? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शीला, इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज मेरा विश्वास करो। अमर, एक बार तुमने अपना प्यार मुझ पर कुर्बान कर दिया था, मैं उसी प्यार का वास्ता देती हूँ। मुझे सच सच बता। उसे आने में वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा? साल डेढ़ साल। राजेश, साल डेढ़ साल क्यों? ये क्यों नहीं कहता कि अब वो जीते जी यहाँ कभी नहीं आएगा? राजेश, ये तू क्या कह रहा है? आगे बढ़ेगा तो गोली सीने के पार कर दूंगा। क्या? मुझे जिंदा देखकर ताजुब हो रहा है ना? क्या बात कर रहा है यार, जब तक दुनिया जिंदा है भगवान तुझे जिंदा रखे। तेरी जिंदगी पर ताजुब कैसा? ये सब शीला को सुनाने के लिए कह रहा है। क्या बकता है तू, नशे में तो नहीं? नशा तो अब उतरेगा, दोस्ती का, प्यार का, इंसानियत का। क्या हो गया है तुम्हें राजेश? यह आदमी मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ाकर यहाँ गया था। फांसी? हाँ फांसी। तू तो यही समझता होगा ना कि कानून ने मेरे लिए अभी तक सजाए मौत का ऐलान भी कर दिया होगा। सजाए मौत? एक खून हुआ है शीरा, जिसके कत्ल का इल्जाम मुझ पर ठोका गया। कत्ल? किसका कत्ल? अपने आप से पूछ। नहीं राजेश, मैंने किसी का खून नहीं किया। तो फिर वो लाश कहाँ से आ गई? बोल, खून तूने किया और उसके छींटे मेरे दामन पे रंग दिए ताकि मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊं। तू और तू सारी दौलत के साथ शीला को अपनाकर जिंदगी में रहायश करता रहे। राजेश कमीने, गद्दारी करने की क्या जरूरत थी? अपनी जिंदगी और खुशियों के डेढ़ साल तो वैसे भी कुर्बान कर चुका था। दौलत चाहिए थी ना, एक बार मुंह से कहे तो देखता। शीला का हाथ चाहिए था तो मैं तेरी दोस्ती के लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान करके खुद अलग हो गया होता। अपास बंद करना ही तो मेरा हाथ उठ जाएगा। उठा के देख सोचता क्या है, मर्द का बच्चा है तो ये रिवॉल्वर फेंक कर बात कर। राजेश बोल रहा हूँ। तुम कब आए? अभी। सुनो, इंटरपोल की पुलिस और इंस्पेक्टर खान तुम्हें तलाश कर रहे हैं। मुझे मालूम है जो, वो समझता है खून मैंने किया है। नहीं नहीं, खून तुमने नहीं किया है, खून विक्रम सिंह और उसकी बहन ने किया है। क्या? हाँ, जो तुम क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर खान ने खुद मुझे बताया,
तुम पर सिर्फ चोरी का इल्जाम है। हेलो राजेश, हेलो, सुन रहे हो कि नहीं? हाँ जो, जरा होशियार रहना। हाँ मैं होशियार रहूंगा, मैं तुम्हें बाद में पंडित करता हूँ। अच्छा अमर, पहले तेरी दोस्ती को गाली दी है, तेरा दिल बहुत दुखाया है। हाँ यार, दिल तो तूने वाकई दुखाया। ले अमर, मार दे मुझे, मुझे जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। दुनिया में एक ही तो दोस्त मिला है, तुझे मार दूंगा तो खुद कैसे जीऊंगा। अमर,